इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे चावल के बारे में। एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी डिमांड देश दुनिया भर में कभी भी कम नहीं होती है। एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके बिना हमारा आहार अक्सर अधूरा ही रहता है। भारत में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक कि यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में उपजाए हुए चावल में 2021 से 2026 तक 2.7 CAGR का बढ़त भी हो सकती है। आपको पता है जो चावल हमारे घर तक पहुंचता है उसमें कितने सारे मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं। नायासिनामाइन, आयरन, फाइबर, थायमाइन आदि बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। मगर आज हम आपको IIT यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से बताएंगे एक अनोखे प्रकार के चावल के बारे में। जी हाँ, इसे कहते हैं हम फोर्टिफाइड राइस। और आइए जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है फोर्टिफाइड राइस को। सर, स्वागत है आपका IIT के इस प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी में। अब आप हमें बताइए, हमारी जनता को बताइए कि आखिर क्या होता है फोर्टिफाइड राइस और किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। फोर्टिफाइड राइस होता क्या है, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुहिम शुरू की है कि फोर्टिफाइड राइस हम हर बच्चे बच्चे तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारे बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार ना हो। और इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इसका प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। हमारे पास चावल का टुकड़ा आता है और उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू हो जाता है। आइए आपको ग्राइंडिंग मशीन के पास ले चलते हैं। ये हमारा ग्राइंडिंग मिल है। इसके अंदर हम माल की पिसाई करते हैं, जो हमारे पास राइस का टुकड़ा आता है। ये बारीक उसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको ठीक ढंग से बारीक रखेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा, जो हम इसके अंदर न्यूट्रिशन डालते हैं। 500 ग्राम प्री मिक्स और 5 लीटर पानी। उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है मिक्सचर से। आइए, ये हमारा मिक्सचर है जिसके अंदर इनो वाइट में ऐड करके उसको प्रॉपर ढंग से मिक्सिंग किया जाता है। मिक्सिंग के बाद हमारा जो प्रोसेस रहता है, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है इसकी। और ये मिक्सिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए। उसके बाद हमारा कन्वेयर का काम शुरू हो जाता है बॉटम के अंदर डालने के लिए। फिर हमारा एक्सट्रूडर में माल जाता है और चावल निकलना शुरू हो जाता है। ये हमारा राइस 45 तैयार हो गया है। इसके बाद प्रोसेस रहता है मॉइस्चर का। मॉइस्चर को कम करने के लिए हमने कन्वेयर लगाया हुआ है। कन्वेयर से ओवन में माल जाता है। ओवन में प्रोसेस मैक्सिमम 30 मिनट का रहता है। 30 मिनट के बाद ओवन से गुजरता हुआ 5 लेयर के अंदर से अपना माल आगे की तरफ बाहर आ जाता है।
हमारे वहाँ पे फैन लगे हुए हैं जो बनाए हुए माल को टेम्परेचर से सिंपल उसमें नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं, उसको ठंडा करने के लिए हमारे को फैन की ही जरूरत पड़ती है। प्रोसेसिंग के बाद हमारा चावल बनके तैयार हो गया, उसके बाद हम इसको पल्लट के ऊपर थोड़ा सा बिखराएंगे, उसे थोड़ा हवा और नमी का मिलन होने के बाद ये अपनी ठीक पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेसिंग जो होता है वो पैकिंग का होता है। पैकिंग हमने 25 किलो के हिसाब से बनाई है, उसको पैकिंग करके स्टॉक में लगा देते हैं। बता दिया मुझे कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है और इसकी कितनी कितनी जरूरतें होती हैं। सर अब आप मुझे ये बताइए कि इस पूरी राइस मिल इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितनी लगती है? स्टार्टिंग में मैडम इसमें कम से कम आपको 1 से 1.25 करोड़ रुपए के लगभग पैसे की जरूरत पड़ेगी। बाकी इसकी कैपेसिटी होती है, उसने 1 एक्सक्रूडर से काम किया मैडम या 2 एक्सक्रूडर से काम किया, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने से काम स्टार्ट किया। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक दिन में ऑलमोस्ट कितने क्विंटल चावल यहाँ पे प्रोसेस होता है? हमारे यहाँ मैडम 7 से लेके 9 टन तक 24 घंटे में चावल तैयार हो जाता है फोर्टिफाइड। हमारे पास 2 एक्सक्यूटर हैं, डे नाइट की शिफ्ट होती है जिसके अंदर 18 से 20 कर्मचारी काम करते हैं। जो लेबर का काम करते हैं वो 17 से 18 डे और नाइट की 2 शिफ्टिंग होती है जिसके अंदर 2 ऑपरेटर होते हैं, 1 टेक्नीशियन होता है और 1 अकाउंटेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और सुपरवाइजर हम खुद है ही। ओके सर, तो अभी आपने मुझे बता दिया इस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में, अब आप मुझे बताइए इस पूरी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए ऑलमोस्ट कितने एरिया की जरूरत होती है? 6825 स्क्वायर फुट में हमने ये गोडाउन बनाया हुआ है। ओके सर, और ऑलमोस्ट यहाँ पे इस इंडस्ट्री को स्थापित करने के बाद कितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है? हमने 150 किलोवाट का लोड लिया हुआ मैडम। तो एक डेली बेसिस पे कितनी खपत हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की? इलेक्ट्रिसिटी की लगभग मैडम हमारे पास 15,000 रुपए के लमसम बिजली लगती है हमारे पास मैडम डेली का। तो ये आपने हमें बता दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सर आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे इस पूरे इंडस्ट्री को स्थापित करने बाद एक लमसम अमाउंट कितना प्रॉफिट देखा जा सकता है इस इंडस्ट्री के बाद? प्रॉफिट 2 से 3% का मार्जिन बड़े आराम से आ जाता है एप्रोक्सीमेटली जो हमने चूज किया। तो मतलब ये जो राइस मिल इंडस्ट्री है फोर्टिफाइड राइस किस तरह से कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे कुपोषित बच्चों के लिए या भारत के एक अच्छे फ्यूचर के लिए प्रधानमंत्री योजना निकाली गई है, ये सब आपने बता दिया। ये जन जन योजना के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के अंदर इतने निर्बल लोग भी हैं जहां पर ये चीज पहुंच नहीं पाती। अगर हम कोई मेडिसिन एरा वगैरह या कुछ और चीज इसको न्यूट्रिशन वैल्यू को अगर हम ऐड ना करें ना तो वो वहां तक वो पहुंच नहीं पाती। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक ये नई मुहिम चलाई है भी जिसके जरिए हम गरीब से गरीब या अमीर हो या गरीब हो जो भी इस लाइन पे आए उसको यूज कर सकते हैं और कुपोषण का शिकार होने से बच सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आने वाले समय में भी ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल होने वाला है। सर मैं आपसे अब लास्ट बार पूछना चाहूंगी, लाइसेंसेस इस पूरी इंडस्ट्री को स्थापित करने में कौन कौन से लगते हैं पर्टिकुलरली? मेन तो इसमें पहले तो GST लेना पड़ता है मैडम, उसके बाद FCCI लाइसेंस लेना पड़ता है, फर्म रजिस्टर्ड होती है। अब फिलहाल तो ये 4 ही वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इन ये अप्लाई करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से ही अप्रूव होते हैं सारे। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन सर, आज हमें मिस्टर राजेश कुमार जी ने बताया कि किस तरह से हम फोर्टिफाइड राइस इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। सर आप IIT के बारे में 2 लाइनें बोलना चाहेंगे? हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा IIT की तरफ से जो हमारे पास आए हैं और इसको मार्केट के अंदर शेयर होगा तो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा और कुपोषण का शिकार होने से
हमारे जो बच्चे वो काफी हद तक बचे। थैंक यू सो मच सर। मालूम पड़ा है बहुत ही अनोखे बिजनेस प्लान के बारे में, जो आने वाले समय में काफी ज्यादा सस्टेनेबल और रिलायबल हो सकता है। जी हाँ, अगर आपको इसी तरह से सस्टेनेबल, रिलायबल और बहुत ही प्रॉफिटेबल कारोबारों के बारे में जानते रहना है तो आप हमारी वेबसाइट www.iit.org.in पर जा सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।